हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है किंगडम प्रोटिस्टा का डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, ये भी आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ही है। इससे पहले मैं एक और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो कि आपका क्राइसोफाइट्स है, जिसमें आपके गोल्डन डेस्मिड्स और डायटम्स आते थे, वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप उसे लिंक में जाकर देख सकते हैं और क्विक रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ किंगडम प्रोटिस्टा। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें कौन इंक्लूड होते हैं, किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है, और ये क्या है, एंसेस्टर्स ऑफ ऑल सेलो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यानी ये एक लिंक बनाते हैं किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई प्लांटेई और एनिमेलिया के बीच की लिंक है। तो अब देखते हैं प्रोटिस्टा को किस कैटेगरी में कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोटिस्टा को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तीन कैटेगरीज आप देख लीजिए। इसमें एक तो है ऑटोट्रॉफिक प्लांट लाइफ, जिसे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सारे इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। आप जानते हो कि प्रोटिस्टा की कोई भी डिवाइडिंग लाइन या एंडिंग लाइन नहीं है, कितने भी ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उन सबको इनमें लिया गया है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फंजाई हो। तो जितने भी प्लांट्स लाइक थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उन सबको हमने किस में रखा है, इस कैटेगरी में रख दिया, जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट, डायटम्स, यूग्लिनॉइड्स। दूसरा जो फंजाई लाइक थे, यानी जो डिकम्पोजर्स की तरह काम कर रहे थे, जैसे कि स्लाइम मोल्ड, हमने इसमें इस कैटेगरी में रख दिया। और तीसरी एक कैटेगरी बना ली जो कि एनिमल लाइक थे, तो प्रोटोजोन्स को हमने इसमें रख लिया है। तो अब जो हम टॉपिक आज लेकर चल रहे हैं वो है हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इसमें हम लेकर चल रहे हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। हमने डायटम्स ऑलरेडी कर लिया है, यानी क्राइसोफाइट्स हम कर चुके हैं। इन्हें पायरोफाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये कैसे हैं, ये जहां जहां मैंने येलो कलर से करा है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बायोफ्लैजेलेटेड हैं, ये इनमें दो फ्लैजेला होते हैं और दोनों सेम साइज के नहीं होते, एक छोटा एक बड़ा होता है, और दोनों एक ही जगह से नहीं निकलते, एक ट्रांसवर्स ग्रुप से निकलता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकलता है। आगे हम इसे देखेंगे। तो ये यूनिसेलुलर है और मोटाइल है, क्यों, क्योंकि फ्लैजला है तो मोटाइल है। ठीक है, डायनो, डाय मतलब दो, फ्लैजलेटेड यानी दो फ्लैजला हैं इनके पास में। इनका कलर जनरली कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं इन्हें कहा जाता है। ओवरऑल ये मोस्टली मरीन होते हैं, वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर। दे आर अपियर इन वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, रेड, येलो, ग्रीन एंड गोल्डन। तो मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूं अलग अलग कलर। तो ये जो सेल वॉल है इनकी, जिसे थेका भी बोलते हैं उसकी आउटर सरफेस को, वो किससे बनी है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी है, जिसके कारण ये स्कल्पचर्ड हो गए हैं। जैसे कि आपने कटहल देखा होगा बाहर से कैसा खुरदरा हो गया है। ठीक है, ये और ये किससे बनी है इनकी सेलुलोजिक प्लेट, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे। और अब इसका डायग्राम देखिए। चलिए, तो जैसे डायनोफ्लैजेलेट है यानी दो फ्लैजला है इनके पास, तो ये फ्लैजला मैंने पहले ही बताया, ये कैसे हैं, डिफरेंट है, एक लंबा है एक छोटा है, और दोनों की पोजीशन भी अलग है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्स। डायग्राम में भी आपने देखा है टू ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल वॉल में, वहीं से ये जो फ्लैजला है वो अराइज करते हैं। तो ये जो दो ग्रूव से दो फ्लैजला निकलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है और ट्रांसवर्स ग्रूव होती है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजलम निकलता है, फ्लैजलम इज सिंगुलर, फ्लैजला इज प्लूरल। एंड ट्रांसवर्स ग्रूव जो कि थोड़ी सर्कुलर होती है, उससे जो है आपका ट्रांसवर्स फ्लैजलम निकलता है। और इन दोनों के कहाँ से निकलते हैं, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। और ये जो है ये रिबन लाइक होता है, ये नैरो एंड स्मूथ होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये इस तरीके से दो अलग अलग पोजीशन में है। तो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। और दीज बोथ द फ्लैजला आर राइट एंगल टू ईच अदर, ये दोनों के दोनों जो है राइट एंगल टू ईच अदर, और इसी के कारण इनमें स्पिनिंग मूवमेंट भी होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं इनमें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की आपकी लाइन है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, सम ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स, जैसे कि आपका गोनियोलेक्स। ये गोनियोलेक्स जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक और है, इसे भी आप लर्न कर लीजिए, जिम्नोडीनियम। गोनियोलेक्स एनसीईआरटी में है, तो ये लर्न करना ही करना है। एंड दीज ऑल लाइन्स आर इन एनसीईआरटी। ये क्यों है, क्योंकि ये उस सर्फेस में बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और इनका कलर वहां पर आ जाता है। सो दे प्रोलीफ्रेट एंड डिवाइड इन लार्ज नंबर एंड कॉज रेड टाइड ऑफ द सी, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, गोनियोलेक्स इसका है। ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, वो आ चुका है इसका। अब आप डायग्राम देखिए कि रेड टाइड कैसी दिखती है। कुछ फ्लैजलेट्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, सम डायनोफ्लैजेलेट्स प्रोड्यूस टॉक्सिन। टॉक्सिन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं। और जब मरीन फिशेस वगैरह इन्हें खाती हैं तो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, यानी इट किल्स मरीन फिशेज एंड अदर मरीन एनिमल्स। ठीक है, तो इसे भी आप कर लेंगे, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सम ऑफ देम आर पॉइजनस डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है,